नमस्कार दोस्तों, आपके हमने स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 1 से 15 दिसंबर में FII ने किस सेक्टर में पैसा निकाला और किस सेक्टर में पैसा डाला। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आप देख रहे हैं कि FII कंटिन्यूस पैसे जो कैश मार्केट से निकाल रहे हैं, और मार्केट जो हमने बताया था वहाँ से देखिए लगभग 300 बैंक निफ्टी 4,000-5,000 पॉइंट नीचे और निफ्टी लगभग 2,500 नीचे आ गया है। तो आप ये इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस सेक्टर से पैसा निकाला जा रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां से पैसे हमें बुक कर लेना चाहिए अपने, अगर उस सेक्टर में स्टॉक है, और हमें किस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं उसको। दोस्तों, आप पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मार्केट में हमारा जो एक्यूरेसी है 72-80% से ऊपर है। अब जाकर देख सकते हैं कि हमने बताया था कि मार्केट कहाँ तक, कि हमने 16,200 बताया था, ये आप देख सकते हैं कि मार्केट आएगा क्या आएगा। तो इस प्रकार अगर मार्केट का डायरेक्शन आप जानना चाहते हैं एक दिन पहले और डाटा पे और चार्ट दोनों पे, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ से मिल जाएगा कि मार्केट कहाँ रुकने वाला है और कहाँ जाने वाला है। चलिए हम बात करते हैं कि जो सेक्टर रोटेशन है वो किस सेक्टर में पैसा गया और किस सेक्टर से पैसा निकला। तो इस प्रकार ये आप अगर NSDL का जो फोर्टनाइटली आप देखें तो आप 1 से 15 दिसंबर का जो अभी डाटा है वो आ गया है लगभग आपके सामने। तो आप ये देख सकते हैं कि 16 से 30 नवंबर, उसके बाद फिर 1 से 15 दिसंबर, ये उसी है जो ये आपको 1 से 15 दिसंबर घटा है। तो आप देखें कि कहाँ कहाँ से पैसा निकल रहा है। इसमें थोड़ा आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, लेकिन हम अभी इसके लिए एक अच्छा खासा अपना एक्सेल शीट तैयार किए हैं जिसे हम वहाँ क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये ऑटोमोबाइल है, फिनेंशियल है, बैंक है, यहाँ से लगातार पैसा कंटिन्यूस निकाला जा रहा है। तो इसको हम अभी एक्सेल शीट पर देखेंगे अपना, तो हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। आप अगर इसको एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैं इस साइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं अपने आप। तो चलिए अभी देखते हैं हम अपने एक्सेल शीट में कि क्या होने वाला है मार्केट में, पैसा किस सेक्टर से पैसा निकल रहा है। तो अभी ये देख सकते हैं कि हमने डाटा डाल रखा है 1 से 15 दिसंबर का, और आप यहाँ देखें तो ऑटोमोबाइल से आप देखें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से लगभग 1,300 करोड़, और फिनेंशियल सर्विसेज से 68 पिले देखिए कि जो ये थोड़ा कम हुआ है, लगातार कंटिन्यूसिस से पैसा निकाला जा रहा था। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि दोस्तों जो इस अदर सर्विस फाइनेंशियल से भी पैसा निकला हुआ है। तो इस प्रकार आप अगर ये देखें कि किस पैसा किस में गया है और कहाँ से पैसा निकला है, आप ये देखें आपको जो फिन फार्माटिकल से, तो चलिए हम चेक करते हैं अपने डाटा पर कि 2,000 करोड़ उससे ऊपर के पैसे कहाँ से निकले हैं और किस सेक्टर में पैसा गया है। अभी हम बात करते हैं किस सेक्टर से पैसा सबसे पहले निकला है। तो हमने एक अपना एनालिसिस इसमें कर रखा है फिल्टर लगा के, जिससे हमको ये क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट में पैसा किस सेक्टर में गया। चलिए जस्ट एक मिनट दोस्तों, अभी हम फिल्टर लगाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि 2,000 करोड़ किस सेक्टर में पैसा निकला है और 2,000 किस सेक्टर से पैसा गया। तो कहाँ से पैसा निकला है अभी हम पहले देखते हैं। चलिए देखते हैं कि एक से पंद्रह दिसंबर के बीच 2,000 करोड़ निकला है, वो कहाँ से निकला है। आप ये देख सकते हैं कि जो पैसा 2,000 करोड़ निकला है वो 1 से 15 दिसंबर का, ये बहुत बड़ा बड़ा जो हमारे अच्छा सेक्टर है टोटल फाइनेंशियल सर्विस बैंक सर्विसेज से, और आपको ये देखें लगभग 6,800 करोड़, 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, आपको ये 2,400 करोड़ लगभग निकला है। तो आपको फार्माटिकल से अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है बैंक से और टोटल फाइनेंशियल सर्विस इस जो है ये सेक्टर है, इतने सेक्टर से पैसे आपको लगभग निकले हैं, इतने सेक्टर से पैसे निकले हैं, 2,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे निकले हैं इस सेक्टर में। तो इस सेक्टर को आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि अगर आप इस आपके सेक्टर स्टॉक इस सेक्टर में हैं तो आप वहां से पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि FII धीरे धीरे अपने पैसे निकालते हैं। अगर हम बात करें कि 1,000 से 2,000 करोड़ का पैसा कहां से निकला है, तो आपको जस्ट एक मिनट आपको पता चल जाएगा कि 1,000 से 2,000 करोड़ किस सेक्टर से पैसा निकला है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें से लगभग 1,300 करोड़, उसके बाद हाउस एंड होल्ड पर्सनल से, मेटल माइनिंग से लगभग, ये पहले इसमें रिटेलिंग से देखिए पिछले बार पैसा डाला गया था लेकिन थोड़ा इससे पैसा निकाला गया है। रिटेलिंग में पिछले जो 15 से 30 नवंबर में अच्छा खासा पैसा डाला गया था, यहाँ से भी पैसा निकला हुआ है। तो अभी आप अगर अभी ये देखें कि पैसा फिर 1,000 से 500 से 1,000 करोड़ किसमें निकला है, दोस्तों ये छोटा छोटा सेक्टर है जहाँ से आपको पैसे देखने को मिलेंगे कि निकाला जा रहा है। तो कुछ ऐसे पैसे जो बड़े सेक्टर हैं जहाँ से पैसे ज़्यादा निकलते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से छोटे पैसे निकलते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपना जो अगर आपके पास स्टॉक हुआ तो उसमें आप अपना मैनेज कर सकते हैं, कुछ पार्शियल बुक या कुछ में प्रॉफिट बुक ज़्यादा आप कर सकते हैं, फुल्ली और पार्शियल।
तो इस प्रकार आप देखें तो दो सेक्टर हैं, इसमें से पैसे लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा निकले हैं। देखिए आप, फूड बेवरेज टोबैको में यूटिलिटीज में इस पैसे निकले हैं। तो आप इस प्रकार अपना भी बना सकते हैं, इससे आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि पैसे किस सेक्टर से निकले हैं। अभी हम बात करेंगे कि पैसे किस सेक्टर में गए हैं, किस सेक्टर में पैसे गए हैं। 2000 करोड़ किस सेक्टर में पैसा गया है, आप ये देखेंगे 15 से 30 का जो है, ये 1 से 15 दिसंबर का है। तो इसमें किसी ऐसे सेक्टर है जिसमें पैसा गया है 2000 करोड़ से ऊपर, अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसे, हाँ कि ये दो सेक्टर हैं दोस्तों जिसमें पैसा गया है, दो सेक्टर है जिसमें 2000 करोड़ के ऊपर का पैसा गया। आप देख सकते हैं ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है एंड ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस में देखिए दोस्तों पैसा निकाला जा रहा था, अभी इसमें क्या है फिर पैसा डाला गया लगभग 2600 करोड़। और आपको इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा, आप देखिए पहले से क्या है यहाँ निकालना बंद हो गया था लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा जा रहा है। तो आप ये दो सेक्टर को माइंड रख सकते हैं। और इसमें जो आप इसके स्टॉक होंगे कहाँ से देखा जाएगा मैं आपको अभी बता दूंगा, स्टॉक वहाँ से मैं पिछले वीडियो में बताया था, तो जाके आप इस दो सेक्टर को नोट करके देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि 1000 से 2000 करोड़ किस में पैसा डाला गया। ये तो 2000 ऊपर से ऊपर है लेकिन 1000 से 2000 करोड़ किस में पैसा डाला गया है, ताकि हमको उस सेक्टर को एनालिसिस करने में और उसमें कितने पैसे हैं, उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, वो कहाँ तक चलेगा, हमको इजी रहेगा फाइंड करने में। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें 1000 से 2000 करोड़, 500 करोड़, देखते हैं 500 से 1000 करोड़, 500 से 1000 करोड़ का अब देखें तो केवल एक ही सेक्टर है, कैपिटल गुड्स। इसमें आपको 553 करोड़ का पैसा है। पहले देखिए आप जो जो 1 महीने पूरे नवंबर में निकाला गया था लेकिन दिसंबर में 1 से 15 दिसंबर में इसमें 553 करोड़ का पैसा डाला गया। तो पैसा डाला बहुत कम सेक्टर में जा रहा है दोस्तों, निकाला बहुत ज़्यादा सेक्टर में गया है। तो आप इस प्रकार अपने पैसे को वहाँ से निकाल कर दूसरे सेक्टर में रोटेट कर सकते हैं जहाँ से आपको प्रॉफिट होगा और आपको प्रॉफिट बुक करने में इजली रहेगा। अगर हम देखें कि 50 से 500 करोड़ का किसमें डाला गया है तो ये भी हमको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें छोटा मोटा पैसा डाला गया, इसमें आप देखते हैं केमिकल एंड फार्मा, इसमें 400 करोड़ का लगा है, डाइवर्सिफाई, जनरल इंश्योरेंस, होटल एंड टूरिज्म में, रियल्टी में जो पिछले बार पैसा डाला गया था लेकिन फिर कम हो गया, अभी थोड़ा सा पैसा इसमें से निकाला नहीं जा रहा है, टूरिज्म मैनेजमेंट। इसके बाद इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर में इतने पैसे डाला गया। तो आपको ये जो है सेक्टर एनालिसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ से आपको अपने पैसे प्रॉफिट बुक करने में और इस सेक्टर में किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है वो आपको बता देगा। और यहाँ से आपको क्योंकि भाई जल्दी पैसे निकालते नहीं, आप देख रहे हैं कि अगर जिस सेक्टर से पैसे निकाल रहे हैं वो सेक्टर से कंटिन्यूस पैसे निकाल रहे हैं, और जिस सेक्टर में पैसे डालते हैं वो धीरे धीरे डालते हैं क्योंकि उनका हॉरिजन लगभग 1 से 2 महीने या 3 महीने का होता है, मिनिमम 3 महीने का होता है। तो वो इतना जल्दी वो पैसे किसी सेक्टर से निकालते नहीं है, फिर उतना जल्दी ऐसा नहीं है कि बस 15 दिन में डालेंगे निकालेंगे। तो उनका एक हॉरिजन है, आप देखें कि जिस सेक्टर से पैसे निकाल रहे हैं, आप ये सेक्टर देख सकते हैं यहाँ पैसा क्या है, कंटिन्यूस निकाला जा रहा है इनका। तो जो सेक्टर में ये पैसा निकालते हैं उसमें कंटिन्यूस निकालते हैं, और जो सेक्टर से पैसा डालते हैं आप ये देख सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूस पैसा डालते हैं। आप ये सेक्टर डाइवर्सिफाई में देख रहे हैं कि ये जो अभी धीरे धीरे डालना है इसमें बंद कर दिए। तो आपको अगर एनालिसिस करेंगे, आप देखें कि कंटिन्यूस इन्होंने पैसा डाला है, तो आप धीरे धीरे इसमें एनालिसिस करेंगे तो आपको एक कंटिन्यूटी रहेगा और पता चल जाएगा किस सेक्टर से पैसा डाला जा रहा है, किस सेक्टर से पैसा निकाला जा रहा है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि हमको अगर सेक्टर का जो वो देखना है कि कौन से सेक्टर में कौन सा आपको स्टॉक है, तो सबसे बढ़िया दोस्तों फिनोलॉजी करके है, फिनोलॉजी टिकर टैप। इसमें आप देख सकते हैं कि फिनोलॉजी का इसमें जाएंगे, फिनोलॉजी के बाद आप टिकर टैप में जाएंगे तो आपको यहाँ एक सेक्टर का पूरा खुल जाएगा, डेस सेक्टर ये पूरा सेक्टर खुल जाएगा, और उस सेक्टर में कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक है वहाँ जाके आप, मैंने बताया था पहले, आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखें आप जितने भी सारे सेक्टर हैं इसमें लगभग मैक्सिमम सेक्टर के बारे में दिया है, एवरब्रिज, एग्रीकल्चर, आपको एयर कंडीशनिंग, एयरलाइंस, ऑटो एंसिलरीज, ये आपको सारे सेक्टर का अलग अलग उसमें दिया है, और जितने भी शेयर हैं उसमें वो क्या है लिस्टेड कंपनी का नाम दिया गया है। तो आप किसी एक पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप देखना चाहें कि इस सेक्टर जैसे हम एवरीवेयर में देखना चाहें कि हम इसमें कौन सा है, तो आपको ये पूरा दिख जाएगा कि कौन सा जो है शेयर इसमें है और उसकी क्या है, वो उसकी लिस्टिंग क्या है, आप देख सकते हैं वो कितना कंपनी डाउन है, आपको सब कुछ यहाँ दिख जाएगा। तो इस प्रकार आप जाके अपने सेक्टर और स्टॉक को पता कर सकते हैं। उस फिर आपको अगर चार्ट पे देखेंगे तब कोई क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कहाँ से पैसा निकला जा रहा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई पैसे किस सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार कैश में सेल कर रहे हैं, इनका जो सेलिंग है अभी भी रुका नहीं है, तो एक बहुत चिंताजनक की बात है। तो इस प्रकार आप चाहें तो अपना एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर हमारे जो है डीप नॉलेज और रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो मार्केट में बहुत उनको डीप नॉलेज नहीं है या फिर वो सीखना चाहते हैं कि मार्केट को हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कहाँ से पैसा निकल सकता है, वो बताया जाता है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके और ज्ञानवर्धक बने। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।
और आपका दिन प्रॉफिटेबल होगा, मैं वैसा करता हूँ।